हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस में स्केलर एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शंस, डायरेक्शन डेरिवेटिव और ग्रेडियंट के रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम बताए हैं। आगे का क्वेश्चन 11 जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, इम्पॉर्टेंट भी है। ये देखिए, इम्पॉर्टेंट है ये जो प्रूव्ड करने के लिए है, प्रूव डैट डेल आर टू द पावर एन इजकल्स टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये हमारा पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, क्लियर है। पोजिशन वेक्टर हमको यानी इनटू में इसका पोजिशन वेक्टर आएगा। अब आइए इसको कैसे प्रूव करेंगे देखेंगे। LHS से हम चलते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डेल डॉट आर टू द पावर एन। डेल का मतलब होता है आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। यही होता है ऑपरेटर है ये। अब इसको डॉट में है आर टू द पावर एन, दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई डेल आर टू द पावर एन बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर टू द पावर एन बाय डेल वाई प्लस के डेल आर टू द पावर एन डेल जेड। अब इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आई डेल आर टू द पावर एन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल आर के रिस्पेक्ट में, डेल आर आई इंटू डेल आर वाई डेल एक्स, डेल आर वाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर टू द पावर एन बाय डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर टू द पावर एन डेल आर इंटू डेल आर बाय डेल जेड, क्लियर है। अब यही आ जाएगा हमारा, इसका आ जाएगा एन आई एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे आई इंटू एन आर टू द पावर एन माइनस वन, इसका हो जाएगा फार्मूला पर आइए हो जाएगा डेल आर बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर आर एन इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर बाय डेल जेड। अब ये है कॉमन, कौन कॉमन है, एन आर टू द पावर एन माइनस वन कॉमन है, ये हो जाएगा आई डेल आर बाय डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के वेक्टर के डेल आर बाय डेल जेड। अब लिखेंगे वी नो डैट आर पोजिशन वेक्टर आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर रूट, रूट का मतलब पावर हाफ, ये होता है। देयरफॉर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, डेल आर बाय डेल एक्स, पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ बाय डेल, किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिस पर पावर है, किस पर पावर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर पावर है तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस जेड स्क्वायर आ इसको किसको किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डेल एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस वाई हो गया कांस्टेंट टर्म एक्स के रिस्पेक्ट में तो जीरो, और प्लस जेड भी हो गया कांस्टेंट टर्म जीरो, यही आ जाएगा हमारा
हाफ एन पर है, एन लिखेंगे हाफ डी एक्स एन बाई डी एक्स, यानी इसको मान लीजिए एक्स टोटल को, तो डी एक्स एन बाई डी एक्स, तो एन लिखाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ एन माइनस वन होता, हाफ माइनस वन इन टू इसका हो जाएगा टू एक्स, ये टू कैंसिल हो गया, ये हो गया दिस इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया एक्स बाय एक्स इन टू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर, ये हो जाएगा माइनस हाफ, दिस इज इक्वल्स टू हो गया माइनस हाफ नीचे कर लीजिए तो यानी ये हो गया एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, क्लियर है, यानी डेल आर बाय डेल एक्स, देयर फोर डेल आर बाय डेल एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा एक्स बाय, ये इसका है एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, क्लियर है। अब लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली क्या हो जाएगा डेल आर वाई डेल वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई बाय इतना ही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ एंड डेल आर वाई डेल जेड इक्वल्स टू जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको देयरफोर लिखेंगे, देयरफोर ग्रेड डेल डॉट आर टू द पावर एन इक्वल्स टू एन आर टू द पावर एन माइनस वन, और इसके बदले में क्या लिखेंगे आई डेल आर, यहाँ लिख देते हैं आई डेल आर वाई डेल एक्स प्लस जे डेल आर बाय डेल वाई प्लस के डेल आर बाय डेल जेड, यही हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एन आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हो गया आई एक्स बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ प्लस जे वाई, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ प्लस के जेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, इतने आएगा सारा कैल्शियम, ये आ जाएगा दिस इज इक्वल्स टू एन आर टू द पावर एन माइनस वन, अब बाय कर दीजिए इसको, कॉमन ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा ये हमारा आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड, क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा, आगे है कि दिस इज इक्वल्स टू एन एन आर टू द पावर एन माइनस वन, आई बाय है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ के बदले में क्या लिखेंगे आर, तो बाय आर कर देते हैं इन टू, ये है आई एक्स, ये दिया हुआ है एक्स आई इन टू कर दीजिए इन टू एक्स आई प्लस वाई जे
प्लस जेड के, ये आर ऊपर चला जाएगा, ये एन आर एन माइनस वन इंटू आर टू दी पावर क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा कैपिटल आर। ये वेयर लिखा हुआ है, वेयर आर इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये दिया हुआ है। तो यहाँ हो गया दिस इज इक्वल्स टू, ये बेस सेम है, पावर जुटेगा तो क्या हो जाएगा एन माइनस वन है माइनस वन, एन आर एन माइनस वन इंटू आर दिस इज इक्वल्स टू एन आर टू द पावर एन माइनस टू डॉट आर कैपिटल आर, हैंस प्रूफ्ड। क्लियर है? सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 पर। ये क्वेश्चन नंबर 12 2011 में कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। कोल्हान यूनिवर्सिटी में इस साल में दो क्वेश्चन पूछा था इसी से रिलेटेड। तो ये है क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, स्मॉल एफ है जो स्केलर क्वांटिटी का ये डिनोटेट करता है। ये एफ इजकल्स टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू एट द पॉइंट टू माइनस वन वन इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इजकल्स टू आई प्लस जे प्लस के। तो इस तरह का ये क्वेश्चन आएगा। तो सो सिंपल है, ग्रेड एफ, ग्रेड एफ पहले निकालना पड़ेगा हमको, ग्रेडियंट एफ दिस इज इक्वल्स टू डेल डॉट एफ ऑपरेटर, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड। ये ऑपरेटर हो गया, डॉट एफ दिया हुआ है हमको एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू। क्लियर है? अब इसका हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो दिस इज इक्वल्स टू आई, इसको x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल x इसमें है, यहाँ तो कुछ नहीं है, y z क्या है कांस्टेंट है। तो इसको इस तरह से पहले लिख लीजिए, उसके बाद डेल एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यूब बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू प्लस के डेल वाई डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड क्यू। इसको पार्शली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल x वेरिएबल होगा, बाकी सारा कांस्टेंट, वाई जेड कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसको, i ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल एक्स बाई डेल एक्स वन हो जाएगा प्लस जीरो, ये हो गया प्लस जे, और ये हो जाएगा एक्स कांस्टेंट टर्म है डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई प्लस जेड क्यूब क्या है कांस्टेंट टर्म है डेल वाई बाय डेल वाई प्लस के, ये क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये जीरो हो जाएगा एक्स वाई जीरो प्लस वाई कांस्टेंट टर्म डेल जेड क्यू बाय डेल जेड। क्लियर है? ये हो जाएगा केवल वाई स्क्वायर, आई वाई स्क्वायर प्लस डेल एक्स वाई एक्स वन हो गया प्लस जे, ये हो जाएगा टू वाई, तो टू एक्स वाई प्लस जेड क्यू, ये जेड क्यू होगा डेल वाई वन हो जाएगा, इसका वाई स्क्वायर का टू वाई होगा आई इन टू एक्स वाई प्लस जेड क्यू, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए प्लस क्या हो जाएगा के, आइए हो जाएगा थ्री जेड स्क्वायर, जेड क्यूब है तो थ्री
इंटू जेड पर पावर 3-1 z² 3z² y इस तरह से लिख सकते हैं हम, क्लियर है। देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एट द पॉइंट कितना 2-1 1 इज क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आई इसका वाई स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर आई इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस जे आई हो जाएगा 2 इंटू एक्स का वैल्यू है 2 और वाई का वैल्यू है माइनस वन, क्लियर है। 2 × 2-1 अब प्लस जेड क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस के के 3 वाई का वैल्यू है -1 × z² यानी 1 का स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो केवल आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 2×2 = 4 -4 + 1 तो -3 हो जाएगा -3j 2×2 = 4 ये -4 हो गया प्लस वन, वन का क्यूब 1 होगा और ये हो जाएगा -3k। यही हमारा क्या हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। अब कहता है इन द डायरेक्शन ऑफ, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2-1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के डायरेक्शन में हमको निकालना है। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ग्रेड एफ, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर इनटू ग्रेड एफ। ए वेक्टर कितना हो गया हमारा, डायरेक्शन कौन डायरेक्शन में है, आई प्लस जे प्लस के इसके डायरेक्शन में कहता है, और क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल निकालेंगे तो उसको ए वेक्टर का मतलब नॉर्मल निकालना, तो इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर 1 इनटू डॉट हो जाएगा ग्रेड एफ कितना निकाले हैं, आई -3j - 3k, क्लियर है। अब ये हो जाएगा इसको करेंगे ये मल्टीप्लाई, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1 और प्लस माइनस -3j - j 1 हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -3k - k 1 हो जाएगा -3 1 - 3 3 ये हो जाएगा √3 यानी 1 - 6 यानी हो जाएगा -5/√3 यही आंसर हो गया, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ये भी क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये एग्जाम में पूछा हुआ है, वही क्वेश्चन बना रहे हैं जो पूछा हुआ है वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो नहीं भी पूछा है वो भी क्वेश्चन हम बनाएंगे कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, क्वेश्चन नंबर 13 कोल्हान यूनिवर्सिटी में ये भी पूछा हुआ 2011 में ही दो क्वेश्चन पूछा था। फाइंड द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस x² + y² + z² = 6 एट द पॉइंट 2-1-1 लिखेंगे, ए नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन सरफेस फाई इज इक्वल्स टू
लेट फाई इजकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स देयर फोर ग्रेड फाई इजकल्स टू डेल डॉट फाई दिस इजकल्स टू आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड डॉट फाई कितना दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स। अब इसका हम निकालेंगे क्या दिस इज इक्वल्स टू आई डेल बाय डेल एक्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स प्लस के डेल बाय डेल जेड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सिक्स। तीनों को मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या आ जाएगा आई आई हो जाएगा टू एक्स बाकी सब जीरो तो ये टू एक्स लिख दीजिए केवल प्लस जे इसको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट तो एक्स जीरो हो जाएगा जेड जीरो ये जीरो तो क्या हो जाएगा केवल टू वाई प्लस के वेक्टर तो यहाँ क्या हो जाएगा जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाई या सिक्स कॉन्स्टेंट टर्म हो जाएगा तो टू जेड हो जाएगा इसका क्लियर है। अब लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेरिवेटिव एट डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड फाई एट द पॉइंट टू वन वन एक्स क्या है एक्स है हमारा टू वाई है वन जेड है वन दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू इंटू आई टू इंटू टू प्लस जे क्या हो जाएगा टू इंटू वन प्लस के टू इंटू वन क्लियर है। दिस इज इक्वल्स टू हो गया फोर आई प्लस टू जे प्लस टू के ये हो गया। अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव देयरफॉर यूनिट नॉर्मल देयरफॉर द यूनिट नॉर्मल वेक्टर यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू फोर आई प्लस टू जे प्लस टू के नॉर्मल वेक्टर निकालना है तो केवल इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इसका कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू फोर आई प्लस टू जे प्लस टू के बाय फोर फोर या सिक्सटीन 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 प्लस फोर कितना हो गया ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू कर दीजिए टू कॉमन ले लेते हैं हम टू आई प्लस जे प्लस के बाय इसका आ जाएगा ट्वेंटी फोर यहाँ कर देते हैं फोर आई प्लस टू जे प्लस टू के बाय रूट अंडर ट्वेंटी फोर यानी ट्वेंटी फोर क्या हो जाएगा सिक्स फोर जा सिक्स इंटू फोर
24 हो गया ये 16 प्लस 4 20 आ प्लस 4 24 24 6 4 जा तो 2 रूट 6 लिख सकते हैं इसको तो 2 टू कैंसिल दिस इज कस टू 2 आई प्लस जे प्लस के बाय रूट अंडर 6 यही आंसर हो गया बाय रूट अंडर 6 क्या आ गया यही आंसर 4i प्लस 2j प्लस 2k इतना हो गया इसमें से 2 कॉमन ले लिए 2i प्लस j प्लस k i 6 4 जा 24 हो गया ये टोटल ऐड करके क्या होगा 24 तो क्या हो गया 4 का स्क्वायर रूट 2 रूट अंडर 6 इतना हो गया तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा ये हो गया ये आंसर कर दीजिए ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 जो कि ये 2014 में पूछा हुआ है 2014 कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ था ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है और ये देखिए कुछ अलग टाइप का भी है 2014 कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एट द पॉइंट पी 3 1 2 एक्स है 3 वाई है 1 जेड है 2 3 है इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के थोड़ा सा डिफरेंट है तो देखिए कैसे बनेगा लिखेंगे हेयर फाइ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ कर सकते हैं रूट अंडर में है तो देयरफॉर लिखेंगे देयरफॉर ग्रेड फाइ पहले तो ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा ग्रेड फाइ इजिकल्स टू डेल फाइ इजिकल्स टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड डॉट फाइ के बदले में क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ क्लियर है अब यही चीज लिखाएगा आई डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ प्लस जे एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में जेड के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ बाय किसके रिस्पेक्ट में होगा इसी जिस पर पावर है उसके रिस्पेक्ट में होगा यानी डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा डॉट इनटू क्या हो जाएगा डेल एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डेल एक्स स्क्वायर वाई डेल एक्स अब बाकी क्या वाई और जेड क्या होगा कॉन्स्टेंट जीरो जीरो प्लस जे सिमिलरली इसी तरह से हो जाएगा ये डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ बाय किसके रिस्पेक्ट में डेल वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा इन टू क्या हो जाएगा
ये जीरो हो जाएगा, एक्स है कांस्टेंट वाई के रिस्पेक्ट में और जेड है कांस्टेंट केवल पर, जीरो प्लस डेल वाई स्क्वायर बाय डेल वाई प्लस जीरो, जेड का हो जाएगा जीरो प्लस, प्लस क्या हो जाएगा के डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के रिस्पेक्ट में होगा इनटू, अब जेड के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा एक्स और वाई कांस्टेंट हो जाएगा, तो एक्स एक्स स्क्वायर का जीरो प्लस वाई स्क्वायर का जीरो और प्लस डेल जेड स्क्वायर बाय डेल जेड, क्लियर है। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हो जाएगा आई तो लिखाएगा ही, आई इंटू में क्या लिखाएगा, आई इंटू में हाफ डेल एक्स एन पर है हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर क्या हो जाएगा हाफ माइनस वन एन माइनस वन, हाफ माइनस वन होगा इंटू डेल एक्स स्क्वायर बाई डेल एक्स का क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस जे इंटू हाफ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस वन इंटू टू वाई प्लस के क्या हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ माइनस वन इंटू टू जेड, ये टू ये टू ये टू ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स आई, ये टू तो कैंसिल हो गया एक्स आई, आइए एक्स आई इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा प्लस वाई जे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, हाफ माइनस वन क्या जो माइनस हाफ हो जाएगा और प्लस जेड के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ, ये हम क्या करेंगे कॉमन ले लीजिए इसको, तो क्या हो गया दिस इज इक्वल्स टू, ये नीचे चलाएगा सब, यानी इसको हम कर सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन क्या आ जाएगा हमको वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू दी पावर हाफ, यानी रूट अंडर कर सकते हैं हाफ हो गया, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया ग्रेड फाइव क्या हो जाएगा हमको ग्रेड फाइव इज इक्वल्स टू, यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमको निकल गया ग्रेड फाइव। अब हमको निकालना है कौन डायरेक्शन में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है एट द पॉइंट 312 पर, लिखेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड फाइव, ग्रेड फाइव एट द पॉइंट, पॉइंट कितना है पॉइंट पी 312, एक्स का वैल्यू है कितना 312, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स का वैल्यू 3i प्लस वाई का वैल्यू वन है
तो क्या हो जाएगा, जे केवल जे हो जाएगा और प्लस जेड का वैल्यू टू है तो ये टू जेड हो जाएगा, टू के थ्री आई प्लस जे प्लस टू के बाय एक्स स्क्वायर का यानी थ्री का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर प्लस जेड यानी टू का स्क्वायर। क्लियर है, ये हो गया डायरेक्शनल डेरिवेटिव कितना थ्री आई प्लस जे और प्लस टू के नाइन प्लस वन कितना हो गया नाइन प्लस वन और प्लस फोर यानी हो गया फोर्टीन। थ्री आई प्लस जे प्लस टू के बाय रूट अंडर फोर्टीन। क्लियर है, अब इसका हो जाएगा, अब क्या निकालना होगा, अब हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, ये किसका किसके डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। नाउ नॉर्मल वेक्टर वेक्टर नॉर्मल वेक्टर ऑफ वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे वेक्टर दिया, नॉर्मल वेक्टर डायरेक्शन में निकालना होगा, जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पर निकालना होगा ना, एट द पॉइंट पी थ्री वन टू, दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू वन है और जेड का वैल्यू टू है, आई हो गया प्लस जेड का वैल्यू है टू इंटू एक्स का वैल्यू है थ्री, जे प्लस एक्स का वैल्यू थ्री और वाई का वैल्यू है वन के, कितना हो गया बाय दिस इज इक्वल्स टू, हम बाय कर देते हैं इसको, यानी रूट अंडर नॉर्मल वेक्टर ये हो जाएगा रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू हो गया टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के बाय फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस नाइन, कितना हो गया, ये हो गया फोर्टी फाइव फोर्टी नाइन, टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के बाय रूट अंडर फोर्टी नाइन, दिस इज इक्वल्स टू हो गया टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के बाय सेवन, देयर लिखेंगे देयर फोर डायरेक्शनल डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ इसको मान लीजिए लेट ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा टू आई प्लस सिक्स जे प्लस थ्री के बाय सेवन इंटू डॉट क्या हो जाएगा किसके किसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव है थ्री आई
प्लस जे प्लस 2k बाय रूट अंडर 14, यही हो जाएगा। 2 3 जा 6, आई डॉट आई 1 हो गया, 6 1 जा 6, जे डॉट जे 1, और प्लस 3 2 जा 6, के डॉट के 1 हो गया बाय 7 रूट 14, दिस इज इक्वल टू 18 बाय 7 रूट 14, यही आंसर हो गया। क्लियर है? इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ा, क्योंकि वो दिया हुआ वेक्टर दिया हुआ केवल, और पॉइंट उतना पॉइंट पर वेक्टर निकाल के नॉर्मल वेक्टर निकालना पड़ेगा, तब जा कर के हमको डायरेक्शन मिलेगा। क्लियर है? ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड एट -1 1 3 इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई -2j + 2k। इतना डायरेक्शन पर निकालना है, सो सिंपल। इस तरह के क्वेश्चन बनाए हुए हैं, फिर भी देख लीजिए। हेयर एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, यही दिया हुआ है। देयर फोर ग्रेड फाई के जगह पर क्या लिखें, ग्रेड एफ इज इक्वल्स टू डेल एफ इज इक्वल्स टू आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, और डॉट एफ के बदले में क्या है, एक्स वाई जेड। क्लियर है? दिस इज इक्वल्स टू आई डेल, ये हो गया एक्स वाई जेड बाय डेल एक्स प्लस जे डेल एक्स वाई जेड बाय डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल एक्स वाई जेड बाय डेल जेड। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, वाई जेड, तो आई वाई जेड डेल एक्स वाई डेल एक्स 1 हो जाएगा, केवल वाई जेड होगा प्लस जे, ये क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स जेड कॉन्स्टेंट एक्स जेड डेल वाई बाई डेल वाई तो 1 हो गया, तो केवल एक्स जेड हो जाएगा प्लस के, ये हो गया के एक्स वाई जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट टर्म केवल हो जाएगा एक्स डेल जेड बाई डेल जेड 1 हो गया। अब लिखेंगे देयरफोर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट कितना -1 1 3 इज क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू आई, और वाई का वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 1 आई इंटू जेड का वैल्यू 3। क्लियर है? प्लस जे एक्स का वैल्यू -1 आई इंटू जेड का वैल्यू क्या है 3। क्लियर है? और प्लस के वेक्टर एक्स का वैल्यू है -1 इंटू वाई का वैल्यू है 1।
यही आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 3i माइनस 3j माइनस केवल k हो जाएगा ये। अब लिखेंगे देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव, हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ग्रेड एफ एट द पॉइंट, उसी पॉइंट पर एट द पॉइंट माइनस वन वन थ्री इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस टू जे प्लस टू के, इसके डायरेक्शन में निकालना है। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल वेक्टर ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा ए वेक्टर, आप फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा डॉट क्या हो जाएगा ये ग्रेड ग्रेड एफ। दिस इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ए वेक्टर क्या होगा आई माइनस टू जे प्लस टू के बाय, इसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल वेक्टर निकलेगा डायरेक्शन का, तो हो जाएगा वन का स्क्वायर रूट अंडर कोफिशियंट ऑफ आई का स्क्वायर, यहाँ वन है कुछ नहीं है तो वन वन का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ जे का स्क्वायर यानी माइनस टू का स्क्वायर प्लस कोफिशियंट ऑफ के का स्क्वायर यानी टू का स्क्वायर, ये हमारा निकल गया नॉर्मल उसका। और डॉट ग्रेड एफ कितना निकाले हैं उसी पॉइंट पर 3i माइनस 3j माइनस k, क्लियर है। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू i डॉट i, वन हो गया 3 वन जा 3 3 माइनस माइनस और माइनस प्लस 2 3 जा 6 j डॉट j, वन हो गया प्लस प्लस माइनस माइनस टू वन जा टू के डॉट के वन हो गया माइनस टू थ्री प्लस सिक्स माइनस टू बाय कितना हो जाएगा, बाय हो गया हमारा वन वन जा वन प्लस माइनस टू क्या हो जाएगा प्लस फोर आई हो जाएगा प्लस फोर। दिस इज इक्वल्स टू थ्री प्लस सिक्स नाइन माइनस टू अब बाय रूट अंडर नाइन क्या हो गया सेवन बाय थ्री यानी दिस इज इक्वल्स टू टू एंड वन बाय थ्री आंसर, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ज़्यादा भारी है नहीं, सो सिंपल और इम्पॉर्टेंट भी है, इस तरह का क्वेश्चन है। अब ये 15 क्वेश्चन तो हो गया है, देखेंगे कुछ क्वेश्चन और होगा डिफरेंट टाइप्स का, तो एक लेक्चर और हो सकता है, उसके बाद हम शुरू करेंगे आपको डाइवर्जेंस और कर्ल जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, ये इससे एक क्वेश्चन आएगा, फिर अगला जो डाइवर्जेंस और कर्ल से देंगे बताएंगे तो उससे एक क्वेश्चन आएगा, निश्चित ही आएगा। उसके बाद ये लाइन इंटीग्रल से आएगा एक क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन हो गया, और उधर तीन क्वेश्चन आएगा ग्रीन्स थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से, एक एक क्वेश्चन आएगा, छः क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा जो कि 28 मार्क्स का है। सो सिंपल इजी वे में हम बता रहे हैं, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आराम से आएगा।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे जो डिफरेंट होगा, क्वेश्चन हम तलाश करेंगे, जो कि ये एक यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन तो इतना ही था जो हम बता चुके हैं, और एक क्वेश्चन जो पूछा था क्वेश्चन नंबर ये जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया हुआ है, चेंज कर दिए हैं, तो क्वेश्चन नंबर आप चेक कर सकते हैं वो क्वेश्चन कौन है सो। तो क्वेश्चन नंबर हम बता देते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, जो इम्पोर्टेंट लिखे हैं ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये 2015 में आया हुआ है, 2015 कोल्हान यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट लिखे थे। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एक्स टू द पावर 4, इसमें केवल चेंज क्या है कि ये सब कुछ चेंज है, तो हम सोचे कि इसी में से समझ में आ जाएगा, इसीलिए हम वो नहीं बताए हैं, तो देखेंगे अगर आप लोग कहेंगे बताने के लिए तो हम वो भी बता देंगे। क्वेश्चन सेम ही है, केवल अंतर क्या है कि थोड़ा सा चेंज किया है ये पॉइंट का, पॉइंट में चेंज किया है और क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, तो वो हम बताएंगे, अगर कमेंट में लिख देंगे तो हम बताएंगे, नहीं तो वही मेथड सेम ही है, मेथड एक ही रहेगा, मेथड ज़्यादा ये दूसरा नहीं है, मेथड सेम ही है, वो सेम मेथड का ही क्वेश्चन है। तो आगे क्लास में 3-4 क्वेश्चन और हम बताएंगे, उसके बाद ये लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए फिर से हम हाजिर होंगे। थैंक यू।